संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 51 कुंडीय यज्ञ व ध्वज स्थापना समारोह में शिरकत कर रहे हैं। शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में आयोजन किया जा रहा है और उसका हिस्सा बने हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। 51 कुंडीय यज्ञ व ध्वज स्थापना समारोह का आयोजन है बेहद खास कार्यक्रम और उसका हिस्सा बनने पहुंचे हैं ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर कोटा प्रवास पर हैं और इस बीच इस आयोजन में भी शिरकत कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र है कोटा बूंदी और उसी के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर पहुंचे हैं और ऐसे में जब खुद के ही संसदीय क्षेत्र में इस तरीके का कार्यक्रम हो तब उसमें शिरकत ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद के लोगों के बीच में अपने संसदीय क्षेत्र में खुद पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर, तो अब कोटा प्रवास पर 51 कुंडीय यज्ञ में ध्वज स्थापना समारोह बेहद खास कार्यक्रम और उसमें शिरकत कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, अन्य जो टीचर्स हैं, वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर को अपने बीच में पाकर। ये सीधी तस्वीरें आपको कोटा से दिखा रहे हैं। महालक्ष्मी यज्ञ जो हो रहा है उसका ध्वजारोहण ओम बिरला जी से हाथों से पूरा होना है। दोस्तों, मैं ओम बिरला जी के लिए अगर हम कहने लगे तो दिन भर क्या सालों तक कहते रहे। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर है। एक बार फिर से वो खास तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं जिस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन के दौरान, चलिए सुनवाते हैं। कि रमेश गुप्ता जी लगातार रोजाना अपने जीवन का काफी समय यज्ञ के अंदर व्यतीत करते हैं और इस मौके पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम सबको इस यज्ञ की महान आहुति में जुड़ना चाहिए। समाज के सभी तबकों को, लोगों को हम प्रयास करें कि ये महायज्ञ अस्मरणीय रहे और सबके प्रयासों से, सब समाजों के प्रयासों से लोगों के जीवन में आध्यात्मिक और संस्कृति का संदेश जाए। जहां जहां भी धर्म आध्यात्मिक संस्कृति होगी वहां पर वो देश, वो प्रदेश खुशहाल होगा, समृद्ध होगा और भगवान के चरणों में अपने को समर्पण कर हम खुशहाली और समृद्धि की कामना करेंगे। आज के ध्वजारोपण कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में आयोजन किया जा रहा है और इसमें आप सुन रहे थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उत्साह वर्धन करने वाले शब्दों से हमारा मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद सर। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन ध्वजारोहण के साथ होता है। जब ध्वजारोहण किया जाता है तो वह कार्य की सफलता को दर्शाता है। इसलिए शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप द्वारा आयोजित